शादी के बाद हर पति पत्नी को अपने जीवन में एक नन्हे मेहमान के आगमन का इंतजार रहता है। फ्रेंड्स, एक महिला का गर्भधारण करना और एक नई जान को इस दुनिया में लाना वाकई एक मुश्किल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला गर्भवती कैसे होती है, गर्भ कब और कैसे ठहरता है, पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है और महिला कब एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाती है। फ्रेंड्स, सामान्यतः जब कोई महिला पुरुष के साथ संबंध बनाती है और इसके बाद महिला का अगला मासिक चक्र रुक जाता है तो महिला गर्भधारण कर लेती है। सामान्यतः एक स्वस्थ महिला का मासिक चक्र 28 दिनों का होता है और 28 दिनों के मासिक चक्र में जो बीच का समय होता है यानी कि 14वां दिन, इस दिन गर्भ ठहरने का सबसे बढ़िया दिन माना जाता है। 14वां दिन ओव्यूलेशन के लिए सबसे अच्छा दिन है। दोस्तों, सामान्य रूप से एक स्वस्थ महिला का मासिक स्राव यानी कि मेंसुरेशन डिस्चार्ज 5 से 7 दिनों तक चलता है। किसी भी महिला का ओव्यूलेशन पीरियड में गर्भधारण करने की संभावना सबसे अधिक रहती है। 28 दिनों के मासिक चक्र में जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उस दिन से 12वें, 13वें और 14वें दिन को ओव्यूलेशन डे कहा जाता है। इन दिनों गर्भ ठहरने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आइए ओव्यूलेशन डे को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिनों का है और आपका मासिक स्राव यानी कि पीरियड 2 दिसंबर 2019 को शुरू होता है तो मासिक चक्र शुरू होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन यानी कि 13 दिसंबर 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2019 ये आपका ओव्यूलेशन डे हुआ। 13, 14 और 15 दिसंबर को गर्भ ठहरने का संभावना सबसे अधिक होगा। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन डे में ही महिला की ओवरी से अंडा निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है और यदि इस समय फेलोपियन ट्यूब में पुरुष का स्पर्म उपलब्ध होता है तब यह अंडा स्पर्म के साथ मिलकर निषेचित हो जाता है और महिला गर्भवती मानी जाती है। फ्रेंड्स, बेबी कंसीव करने के लिए यह जरूरी है कि ओव्यूलेशन पीरियड में ही संबंध बनाएं। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि रिलेशन बनाते समय किसी प्रकार का कोई तनाव ना लें और रिलेशन बनाने के लिए महिला और पुरुष दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि संबंध बनाने के तुरंत बाद उठकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि संबंध बनाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक महिला को सीधे लेटे रहना चाहिए। ऐसा करने से गर्भधारण के 100% चांस बढ़ जाते हैं। गर्भधारण के लिए ओव्यूलेशन का टाइम सबसे बेस्ट होता है, इसलिए महिला को चाहिए कि उन्हें उनके पीरियड का सही डेट पता हो और पीरियड आने के 12वें, 13वें और 14वें दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव होने के 100% चांस होते हैं। इस समय महिला की प्रजनन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इस समय रिलेशन बनाने से गर्भधारण के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशन बनाने के बाद भी महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। इसका कारण यह होता है कि उन्हें ओव्यूलेशन का सही टाइम पता नहीं होता है जिस कारण कोशिश करने के बाद भी महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड नियमित रूप से नहीं आता है यानी कि जिसका पीरियड रेगुलर नहीं है तो ऐसे में उन्हें अपने ओव्यूलेशन पीरियड की सही जानकारी नहीं हो पाती है जिसके कारण उन्हें गर्भधारण करने में कठिनाइयां आती है तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मिले और अपना ट्रीटमेंट करवाए जिससे कि उनका पीरियड रेगुलर आए और वो सही समय पर गर्भधारण कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी गर्भ कब और क्यों ठहरता है या पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है और महिला कब एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।